भिन्नता क्या है कि नाभिकीय विखंडन की तरह यह प्रक्रिया सामान्य ताप व दाब पर संभव नहीं है और नाभिकीय विखंडन की तरह यह प्रक्रिया नियंत्रित किया जाना अभी संभव नहीं है और उदाहरण लिख दिया सूर्य है तारे है। इसके बाद चार के खा बहुत इम्पोर्टेंट बढ़िया प्रश्न रखा गया है चार का खा जिसमें ये कहा गया है कि एक चित्र इन्होंने बना दिया और इस चित्र में यहाँ पे एक सेल लगी है और सेल के बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है इसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगा दिया है डायोड लगा दिया और फिर एक प्रतिरोध लगा दिया यहाँ पे फिर एक जंक्शन डायोड लगा दिया ठीक और फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया यहाँ पे फिर एक जंक्शन डायोड लगा दिया और यहाँ पे फिर एक प्रतिरोध लगा दिया और सबको जोड़ दिया गया। ये 20 वोल्ट है और यहाँ पर 100 ओम है और यहाँ पे 50 ओम है और यहाँ पे 50 ओम है और यहाँ पे 150 ओम है और यहाँ पे आई धारा बह रही है इधर की ओर इसके बाद इसमें है धारा आई वन जा रही इसमें धारा आई टू जा रही और इसमें धारा आई थ्री जा रही। ऐसा इसमें प्रश्न में कहा गया है कि आई आई वन आई टू आई थ्री के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या बना दिए गए यहाँ पे डायोड और डायोड में आपको पता है कि पी टाइप क्रिस्टल को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं ठीक है और तभी तो वो अग्र अवनति होगा। तो यहाँ पे देखो ये बैटरी का धन जुड़ा है लेकिन इस डायोड का ये निगेटिव से जुड़ा है तो इसमें से होकर कोई धारा नहीं बहेगी। किसमें से होकर बहेगी इस वाले में ये पी टाइप है ये एन टाइप है ये एन टाइप है ये पी टाइप है ये पी टाइप है ये एन टाइप है। तो समझ गए पी टाइप क्रिस्टल का बैटरी किससे जुड़ी धन से इस पी टाइप का किससे जुड़ा धन से इसका मतलब ये दोनों अग्र अवनति है मतलब इसमें से होकर के धारा बहेगी जबकि इसमें से होकर के कोई धारा नहीं बहेगी। तो समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर बाद कि इसमें ये लगा ही नहीं तो हम पहले ही लिख दें कि I1 बराबर शून्य इसमें कोई धारा नहीं बहेगी एक आंसर तो हो गया। अब देखो सबसे पहले परिपथ में हमें कुल धारा पता करनी है तो यहां से होके धारा जाएगी यहां से होके जाएगी तो इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है समांतर क्रम में क्योंकि दोनों में अलग अलग धारा है। तो अगर हम इसके प्रतिरोध को R1 मान लें इसको R2 मान लें और इसको R3 मान लें तो हम क्या देख रहे हैं कि R1 व R2 किस क्रम में है समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध R' 1/R' बराबर कितना हो जाएगा 1/R' बराबर 1/50 धन 1/150 लघुत्तम ले 150 3 150 4/150 तो 1/R' बराबर 4/150 तो R' बराबर हो गया 150/4 ओम इतना। अब इन दोनों से मिलाकर के एक प्रतिरोध बन गया और एक R3 लगा है तो R' वो R3 किस क्रम में है श्रेणी क्रम में भाई इन दोनों से एक हो गया यहां से धारा जाएगी उस एक में जो जाएगी वही इसमें जाएगी तो ये सब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में और जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो टोटल प्रतिरोध जो निकलेगा वो R' + R3 इस हिसाब से R' की वैल्यू कितनी है R' की है 150/4 और R3 की वैल्यू कितनी है 100 तो लघुत्तम ले 4 ठीक है तो 150 और प्लस 400 तो ये हो गया 550/4 ये कैपिटल R निकल आया टोटल प्रतिरोध और टोटल वोल्टेज कितना है 20 टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट तो परिपथ में धारा कितनी होगी I बराबर V/R से 20/550/4 तो 4 पहुंच गए ऊपर तो 20 को 80/550 ये इससे काट दो ठीक है। अब तो ये कटेंगे नहीं किसी से कट सकते हैं मुझे लग रहा है कि ये नहीं कटेंगे तो टोटल धारा इतनी 8/55 एम्पियर टोटल धारा बहेगी। फिर तो आई का मान हमें निकल आया अब हमें आई वन का मान निकालना है और आई
आई वन तो पता ही पहले निकाल लिया, आई टू और आई थ्री निकालना है। तो देखो ये तो आपने लिख दिया होगा, तो इसको हम कर लें साफ। इसका मतलब है कि हमें पहले इन दोनों के सिरे पर कितना विभवांतर है वो पता करना है। तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना है, तो आर वन व आर टू का जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध वो आर डैश बराबर हम पहले ही निकाल चुके हैं, आर वन और आर टू का कुल प्रतिरोध आर डैश बराबर 150 बटे 4। और इसमें से होकर के धारा कितनी जा रही, जितनी आई है वो पूरी इन दोनों में जाएगी, तो वो कितनी है 8/55 तथा आई बराबर 8/55 एम्पियर। तो इसलिए यहाँ पे हम ए और बी नाम दे दें, ए और बी। तो ए और बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर वो वी बराबर कितना होगा आई इंटू आर, आई का मान है 8/55 और गुण है 150/4, तो 4 × 8 ठीक है, और 5 × 15 और 5 × 1 = 5 तो ये हो गया 30 × 60/11 इतने वोल्ट हो गया, इतने वोल्टेज हो गया इन किसरों के विभवांतर। तो अब I2 का मान निकाल लें, I2 बराबर कितना, यहाँ B की जगह V डैश कर लो, तो I बराबर V डैश बटे और इसमें धारा प्रतिरोध कितना है R1 टोटल सिरों। देखो जो हमने ये विभवांतर निकाला है, ये विभवांतर जितना इसके सिरों पे होगा विभवांतर उतने ही इस बार कितना होगा, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उतने ही इसके। तो ये कितना हो गया V डैश का मान 60/11 और R1 का मान कितना है, R1 की वैल्यू है 50 × 50, तो ये 5 से ये कटेंगे तो 6/11 × 55 इतने एम्पियर धारा हो गई इसमें, ये निकल आया आई टू की वैल्यू। इसी प्रकार से आई थ्री की वैल्यू निकाल लो, तो वी डैश बटे आर टू और वी डैश को मान 60 और आर टू को मान है 60/11 और इंटू 150, तो ये इससे काट दो ठीक, और 3 × 6 = 3 × 15 तो ये आ गया 2/11/55 एम्पियर इतनी वैल्यू आ गई ठीक आई थ्री का मान। और तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे कि आई की वैल्यू हमें पता चल गई, एक आंसर हमें ये मिल गया। सब आंसर मिल गए आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू। 4 के गा में पूछा गया है, अब 4 का गा सॉल्व करते हैं ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये। चार के गा में इन्होंने क्या कहा है कि जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंग है का, पहले लैम्डा वन का मान कितना है, लैम्डा तरंग का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, तब प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव, तब निरोधी विभव वी वन बराबर कितना है 3V और इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा 2 बराबर है 2 लैम्डा, तब आपतित करने पर तब निरोधी विभव वी, तब वी टू बराबर है वी प्राप्त होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, आपने आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ी है, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो समीकरण है ई के बराबर h(\nu − h(\nu)₀, ई के बराबर h(\nu − h(\nu)₀। तो इस हिसाब से ई के बराबर हो ई वी नॉट बराबर एच न्यू की जगह पर हम लिख सकते सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं एच सी कॉमन ले लें तो 1/λ − 1/λ₀। तो ये हो गया ई वी जीरो, तो वी जीरो बराबर कितना हो गया एच सी बटे ई 1/λ − 1/λ₀। अब प्रथम स्थिति में क्या दिया गया है, प्रथम स्थिति में उन्होंने कहा पहले निरोधी विभव कितना है 3V, तो 3V बराबर एच सी बटे ई
एससी बटे ई वन अपॉन तरंग दैर्ध्य कितनी है लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। ये हो गया पहला समीकरण। द्वितीय स्थिति में इन्होंने क्या कहा है, द्वितीय स्थिति में वोल्टेज कितना है V बराबर एच सी बटे ई वन अपॉन, अब लैम्डा नहीं है टू लैम्डा है, टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो, समीकरण नंबर दो। अब हम क्या करें, एक में दो का भाग देते हैं, एक में दो का भाग देंगे तो थ्री वी में V का भाग दो तो थ्री बचेगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो ये तो खत्म ही होगा, क्या बचेगा वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो पूरे के बटे वन अपॉन टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। अब यहां पे बटे एक कर लें तो क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री वन अपॉन टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो बराबर एक का गुणा इधर हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। अब हम इस पर तीन का गुणा कर दें तो तीन बटे दो लैम्डा माइनस तीन बटे लैम्डा जीरो बराबर वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। अब लैम्डा वाले पद एक तरफ कर लो और लैम्डा जीरो वाले एक तरफ कर लो, तो यहां पे हो गया थ्री बटे, क्योंकि हमें वैल्यू का ही निकालना है देहली तरंग दैर्ध्य, और देहली तरंग दैर्ध्य का मतलब है लैम्डा जीरो, लैम्डा जीरो हमें निकालना है, तो वन अपॉन लैम्डा जीरो इस तरफ ले आओ तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो वन अपॉन लैम्डा जीरो माइनस थ्री बटे लैम्डा जीरो बराबर ये तीन बटे टू लैम्डा उस तरफ पहुंच जाए वन अपॉन लैम्डा माइनस तीन बटे टू लैम्डा। अब यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा लैम्डा जीरो, तो लैम्डा वन माइनस थ्री, यहां पर लघुत्तम ले लो टू लैम्डा, तो क्या आ गया टू माइनस थ्री, तो वन माइनस थ्री आए वो माइनस टू बटे लैम्डा जीरो बराबर टू में से माइनस थ्री तो माइनस वन अपॉन टू लैम्डा, तो माइनस माइनस खत्म कर दो तो क्या हो गया टू बटे, तो लैम्डा जीरो बराबर कितना हो गया लैम्डा जीरो बराबर टू लैम्डा का इधर गुणा कर दो तो फोर लैम्डा, लैम्डा जीरो की वैल्यू आ गई फोर लैम्डा, यही देहली तरंग दैर्ध्य का मान है। इसके बाद चार का घा, चार के घा में देखो एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है तो कोणीय चौड़ाई पहले तो सूत्र क्या होता है, चार के घा में कोणीय चौड़ाई आप जानते हैं कि कोणीय चौड़ाई जो होती है टू थीटा बराबर टू लैम्डा बटे ई, टू लैम्डा बटे ई होती है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि सॉरी टू लैम्डा बटे स्मॉल डी, जहां स्लिट की बीच की दूरी है स्मॉल डी, टू लैम्डा बटे डी। अब इन्होंने कहा है कि चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है, तो भैया चौड़ाई स्लिट पर, स्लिट की चौड़ाई पर निर्भर करती है, अगर ये चौड़ाई कम होगी, ये चौड़ाई जितनी कम होगी ये थीटा का जो फैलाव है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। अच्छा विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश का तीव्रता विभाजन चित्र प्रदर्शित कीजिए, तो तीव्रता विभाजन इधर अगर तीव्रता आई है तो ये आपने चित्र ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे करके ये ऐसे ये तीव्रता विभाजन है, जहां पे ये जीरो मान लेते हैं, इसको लैम्डा बटे डी, इसको टू लैम्डा बटे डी, इसको थ्री लैम्डा बटे डी, और इसको माइनस लैम्डा बटे डी, इसको माइनस टू लैम्डा बटे डी, इसको माइनस थ्री लैम्डा बटे डी, जहां पर ये जो बीच की दूरी है ये है, ये प्रदर्शित करती है काय को साइन थीटा को, ठीक है। तो ये विभाजन फॉर्मूला है, ठीक है आपने आराम देख लिया होगा ये विभाजन का फॉर्मूला है। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और हाँ नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी चार का इंग्या शेष है कि विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। तो देखो विभव मापी की जो सुग्राह्यता है वो शून्य विक्षेप की जो लंबाई है उस पर निर्भर करती है, लंबाई जितनी ज्यादा होगी विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा, ठीक। तो सुग्राह्यता का विभव प्रवणता से संबंध क्या है, तो देखो एक सूत्र होता है, हम यहां पर साफ करके लिख देते हैं, ये सूत्र होता है V बराबर K इंटू एल,
जहां पे V विभवांतर है, K विभव परिवर्तता है, L लंबाई है, तो K बराबर कितना हो गया V अपॉन L। लंबाई का मान जितना अधिक होगा विभव परिवर्तता उतनी ही कम होगी और विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। ठीक, फिर एक प्रश्न है कि एक विभव मापी के 5 मीटर लंबे तार, L बराबर कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है, तो इन्होंने कहा कि विभव परिवर्तता का मान ज्ञात करो। तो विभव परिवर्तता जो K बराबर है, विभव परिवर्तता K बराबर सूत्र जो होता है वो V अपॉन L है, तो इस हिसाब से V की वैल्यू 2 और L की 5, तो भाग दे दो 5 को 20.4 वोल्ट वोल्ट प्रति मीटर, ये लो ये K की वैल्यू आ गई। 4 का एंगल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।